जय जय श्री राधे, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सब सो रहे हैं क्योंकि अभी इतनी सुबह नहीं हुई है और आज मैं आपको ले जा रही हूँ हरिद्वार। और मैं नहा धो के पूजा पाठ कर ली है मैंने, अब मैं जा रही हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। उसके बाद हम फटाफट हरिद्वार के लिए निकलेंगे। नहाया इसलिए है मैंने क्योंकि मेरे को पूजा भी करनी होती है, फिर मैं वहाँ जाके बताऊँगी गंगा स्नान का। तुम्हें यही लगा तो मेरे सुबह का दूध बनाने का, इसमें है काजू अखरोट किशमिश बादाम इसको क्या बोलते हैं और खजूर, तो ये सब सुबह तो गाइस जाने से पहले पहले मैंने मशीन लगा दी है जिससे कि मैं फटाफट सबके सोने से पहले उठने से पहले मतलब कपड़े धो लूँ। और क्योंकि नाश्ता मैं थोड़ा लाइट करवाना चाह रही हूँ इसलिए मैं ब्रेड लेने के लिए जा रही हूँ। तो चलते हैं। अंकल ब्रेड है 10 फ्रेश हुई लेकिन दो दिन। गुड मॉर्निंग, तो सुबह सुबह मैं छत पे आ गई हूँ। तो गाइज सब सो रहे हैं और सुबह सुबह मैंने मशीन भी लगा ली है, पूजा भी कर ली है। पूजा इसलिए क्योंकि मैं नहा धोके पूजा करके फिर वहाँ भी नहाएंगे, स्नान करेंगे, गंगा स्नान करेंगे वहाँ पे, वहाँ के मजे भी लेंगे। और मैं आई हूँ कबूतरों को खाना देने। गाइस यहाँ पे बहुत सारे कबूतर आते हैं खाना खाने के लिए। देखिए थोड़ी देर के बाद कबूतर ही कबूतर दिखाई देंगे आपको यहाँ पे। अभी तो ये घूमेंगे पूरी तरीके से, एक तरह की परिक्रमा करेंगे कि कोई जाल वाल बिछा के नहीं बैठा हो, कोई पकड़ने के लिए ना बैठा हो, उसके बाद ये बैठेंगे यहाँ पे। चलिए तब तक के लिए नाश्ते की तैयारी करें इनके उठने से पहले, फिर आज मस्ती करने वाले हैं हरिद्वार में। देखिए गाइस चिड़िया आई हैं आज, अब तो बहुत रेयर ही मिलती हैं, जितना पास जाऊंगी मैं उतना भागेंगी। देखिए तो गाइस हम गाड़ी में बैठ गए, एक गाड़ी ये रही और एक गाड़ी वो रही, वो रही, दो गाड़ियां हमारी जा रही है। तो मिलते फिर, कहाँ जा रहे हो गुंजू? हरिद्वार, हरी हाँ, गंगा स्नान करने, गंगा स्नान करने, वेरी गुड, इधर देख के बोल गंगा स्नान करने। अरे गंगा गंगा बोल, गंगा स्नान करने करेगा नहाएगा। तो गाइस हम लोग बीच में रुक गए हैं क्योंकि ट्रेन ने आना है, फाटक बंद है। ट्रेन में बैठ के जाएगा, ट्रेन तो आगे जाएगी, कब दिखाऊं ट्रेन? ट्रेन आ गई है और बस हम थोड़ी देर के बाद निकलने वाले हैं।
मालगाड़ी हमारी गाड़ी। तो कहाँ जा रहे हो मम्मी आप? मैं हरिद्वार। क्या करने जा रहे हो? इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। तो हम दूसरी गाड़ी में बैठ गए देहरादून सीधा बद्रीनाथ सीधा। ले भाई ये बच्चे सारे चल पड़े हमारे साथ। हरिद्वार पहुंच गए हैं सब, गाड़ी पार्क करके बस अब नहाने के लिए जा रहे हैं। वॉशरूम हरिद्वार। भाई रास्ते में इसके पेट में हो रही थी दर्द। क्यों? और टेंशन क्यों? मुझे नहीं नहाना, मुझे नहीं नहाना। लोटा दे देंगे इसको, बाहर बैठ के नहा लेगा। तो हमारी पलटन पीछे पीछे चल रही है। अपने नग गिन लो भाई साहब। देखो चल बोलो गंगा मैया की जय। कोई बात नहीं, तू नहाएगा कि नहीं नहाएगा ये बता दे। नहीं पापी भी नहीं नहाएंगे। मैं तो नहाऊंगी ना, तू बस। पापी जाते हुए ये देखो ठंडे ठंडे पानी में। तो गाइस नहाने के बाद हम सब लोग तैयार हो चुके हैं और ये तैयार हो रही है। तो बहुत ही मजा आया, आनंद आया बहुत नहाने का। ये हमारे पंडित जी हैं और ये हम सब लोग फोटो सेशन करते हैं। अब चलने की तैयारी है, देखते हैं कहाँ जाते हैं। शाम के लिए बहुत बढ़िया मम्मी नहा धोके तैयार हो गई है और बहुत ही ठंडा जल था। और ये देखो ये हमारी फैमिली फोटो सेशन करवा रही है। सब लाइन से बैठे हुए। पापा कैसे लगा हरिद्वार आपको? देखते हैं अब क्या मंगवाते हैं। और इसके साथ ही हमने मंगवाए छोले भटूरे। छोले भटूरे नहीं है तीन। तो गाइस खाना वाना खाने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं। बहाव देखो गंगा मैया का, क्या ठंडा और शीतल जल है ना। ये दोनों जने थक गए हैं, बाकी सब के अंदर एनर्जी फुल है। सुंदर लग रहा है ना ये। कुंज कुछ खाया तुमने? तो हम आ गए हैं चंडी देवी जी और ट्रॉली का मजा लेंगे अब। हो गया हम बैठ गए हैं ट्रॉली पे। यार एक जगह वजन ज्यादा हो जाएगा। ये शरीर आराम से मोबाइल मत गिरा दियो, मिलने का नहीं फिर। जय श्री राम। गहराई देखिए। वापस हमें तो तेज है। ऐसे लग रहा है वैष्णो देवी में पहाड़ आते हैं ना। हाँ। नीचे की गहराई देखिए। बस से कितनी गहराई दिखाओगी? पकड़ के बेटे गिर ना जाए तेरा। देखना दोनों कैसे मोबाइल निकाल निकाल के वीडियो बनाए जा रहे हैं। केशव का तो मन ही खराब हो गया इसको नीचे देख के है ना।
पॉपकॉर्न भी नहीं खाए जा रहे। डर लगता है भाई, बंदे को डर लगता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो कैसे होता है यार, डरना चाहिए पर इतना नहीं डरना चाहिए, एंजॉय भी करना चाहिए। बहुत ही प्यारा नजारा है। ऊपर आके लगता है कान बंद हो गए। हाँ, आवाज नहीं आती। एकदम शांति है गाइस, एकदम कोई एनिमल दिखे तो गाइस मुझे रहा था एक एनिमल बैटरी बंद रहेगी, जो जो है बंद वो वापस सही टाइम पे आ गए। गाइस हमें रास्ते में लंगूर मिले। इसको लंगूर है, हर जगह नहीं भैया, प्रसाद जरूर लेना भैया माता के लेके का। देखिए लंगूर ये कितने आराम से बैठा हुआ है, ऐसे लग रहा है दर्शन कर रहा हूँ ना, बिल्कुल सेंटर में नहीं। घंटा बजा रही हो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। यहाँ मल्लतों की चुन्नी बन रही है सब जगह। जय माता दी, जय माता दी। चलो सब जगह आपको चुड़ियां बंद हुई दिखेंगी। तो गाइस हम आप पहुंचे सबसे ऊपर। बंद कर दो भैया, बंद भी होगा। सनसेट 5:30 या 6 बजे का टाइम होगा इस टाइम। 6 बजे कितना प्यारा लग रहा है, और ठंडी हवा चल रही है, थोड़ा हमें डर लग रहा है गाइस, हम सब्जी पक के बैठे हैं। आपके पेट में भी कुछ हो रहा है इसमें? कुछ नहीं हो रहा, आप बस ऐसे ही बैठे रहे। ये ना जब नीचे उतरती है तब फास्ट उतरती है, जब ऊपर चढ़ती है तो स्लो। तो हम लोग यहाँ चाय के लिए रुके। कितनी आगे जा रहे हो, ये टेबल है तो अभी भी पकोड़े पे दिया रहे हैं, भटूरे खाने के बाद भी। हमारी तो कुल्लड़ वाली चाय आ गई है, तबर मम्मी चाय पी की। अच्छा, और ये दोनों बच्चे कुछ तो खाना ही है, मुंह तो चलाना ही है चिप्स बेलते हुए। थके हारे पहुंच गए हैं रात के डिनर करने के लिए, गाड़ी में बैठ के आए हैं। केशव पढ़ने में कुछ नहीं जा रहा, पर मिलेगा तुझे रोटी दादी। पढ़ ले, सिर्फ पढ़ना है, ऑर्डर नहीं करना। चल देखते आज खाने में क्या आता है। दाल पनीर, बस दाल और पनीर।
और इसका मुंह उतरा हुआ एक दो क्योंकि इसे खाने थे चाउमीन कल कल भी नहीं मिलेंगे थे कल खा कर आई है हाँ वैसे कल खा कर आई है मैदे की चीज ज्यादा मत खाया कर लेकिन दाल टेस्टी है और पनीर भी टेस्टी है।